अज्ञानतिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाखया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। 1975 यानी कि जब इस्कॉन को स्थापित हुए 10 वर्ष के करीब हो चुके थे, उस समय 4 मार्च डालास टेक्सास में श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि उस समय भी लोग उनके पास आते थे और उनसे कहते थे कि इस संसार में इतना दुख है, इतना दर्द है, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो आप इन लोगों के लिए अस्पताल और डिस्पेंसरी क्यों नहीं खोलते। तब श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि हाँ, ऐसे अनेक मिशनरीज हैं, ऐसे समाज में अनेक लोग हैं जो कि गरीबों की मदद करते हैं, लोगों को दवा दारू बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, खाना पीना बांटते हैं, तो जो ऐसा लोग करना चाहते हैं वो समाज में करें ऐसा। पर श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वी नेवर डू दिस। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वी हैव अ स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वह लोग बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, बट आर हॉस्पिटल, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आर हॉस्पिटल कैन स्टॉप डेथ। अब यह श्रील प्रभुपाद ने अपने मन से नहीं कहा, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक ही है, जहां पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तस्से एव हेतु प्रेतेत को विदो। तस्से एव, उसी चीज को निश्चित रूप से, एव निश्चित रूप से, हेतु उस चीज के लिए प्रेतेत प्रयास करो। कौन? कोविदो, इंटेलिजेंट लोग केवल उसी चीज के लिए प्रयास करते हैं। न लभते यद, जो कि नहीं प्राप्त होती, न लभते नहीं प्राप्त होती, भ्रमताम भ्रमण करने से, कहाँ? ऊपरी अधः, ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक भी जो चीज पाने में दुर्लभ है, उस चीज को पाने के लिए इंटेलिजेंट लोग प्रयास करते हैं। तो यह श्रील प्रभुपाद शास्त्रों से ही कह रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद जानते थे, एक हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हम हवाई जहाज का सफर करते हैं, तो पायलट होता है वो हवाई जहाज उड़ाता है, और पायलट का कर्तव्य है कि वह पैसेंजर को सेफ अपनी जर्नी पे, अपने उसके घर पहुंचाए, उसकी हवाई जहाज की जर्नी बिल्कुल सुरक्षित रखे। आप पायलट से ये नहीं कहते कि जो क्रू में जो कैबिन है, जो जो लोग हैं, आप उनको जूस बांटो, उनको खाना पीना बांटो, उनसे उनकी जगह सीट बेल्ट चेक करो। नहीं, पायलट का कर्तव्य होता है कि वह दिशा दिखाए, और श्रील प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि जिसने जिसने गेरुए वस्त्र धारण कर लिया है, एक सन्यासी जिसने सन्यास आश्रम धारण कर लिया है, एक ब्रह्मचारी, उसका समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ही इज नॉट मेंट फॉर बेगिंग। वह अपना जीवन भीख मांग के जीने के लिए नहीं जी रहा, ना ही वह इस समाज में कोई दीमक बन के जीना चाहता है, और ना ही जो गृहस्थों की आमदनी पर वो अपना जीवन सुखद बनाना चाहता है। उसका इस सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान है। उसका योगदान क्या है? एक सन्यासी का, एक ब्रह्मचारी का इस समाज में, वह श्रील प्रभुपाद कहते हैं वह वास्तव में समाज सेवा कर रहा है, क्योंकि वह समाज को दिशा दिखा रहा है। केवल वही समाज को दिशा दिखा सकता है। तो यही श्रील प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं, और वो दिशा उसने खुद अनुभव की है, यानी कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं रियलाइज्ड डायरेक्शन, खुद उसने अनुभव की है, उसने परमात्मा का अनुभव किया है, और तभी वह समाज को एक दिशा दिखा रहा है। वह बता रहा है कि हम जो कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष के पीछे जो हैं, तो वह बता रहा है कि हमारा लक्ष्य केवल धर्म नहीं है, क्योंकि मंदिर तो लोग भय से जा रहे हैं, अगर वह मंदिर भी जा रहे हैं तो वह भय डर के मारे जा रहे हैं कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं मेरे जीवन में दुख ना आ जाए।
अर्थ, अगर वह अर्थ कमा भी रहा है तो उसका गलत यूज कर रहा है। इस समाज में इतनी तरक्की हो चुकी है, इतना आर्थिक विकास हो चुका है, फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं और फिर भी बच्चे माता पिता से अलग हैं। काम, इच्छाएं जो कि हमें इस संसार में बांधती हैं और हमें भय दे रही हैं, और मोक्ष जो कि हमें केवल स्वार्थ, अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो यह वह बताता है, एक सन्यासी का धर्म है कि वह सही दिशा दिखाता है। वह पंचम पुरुषार्थ, वह बताता है कि हमारे जीवन में कि फर्स्ट बिजनेस, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे लाइफ का फर्स्ट बिजनेस होना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि भगवान की, कि टू गेट आउट ऑफ दिस प्रिजन। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप इस संसार में कुछ भी करोगे, आप इस संसार में कितनी भी प्रॉपर्टी बनाओगे, कितना भी धन एकत्रित कर लोगे, पर हम यहां पर हमेशा बंधे हुए ही रहेंगे और आपको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी आएगी ही आएगी, और यही चीजें हमें भय देती हैं। यह पंचम पुरुषार्थ वास्तव में हमारा सनातन धर्म है, और सनातन धर्म हमें सिखाता है, यही हमारी शिक्षा है। हमारी शिक्षा क्या है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हैप्पी टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्रेसिव लाइफ। हमारे जीवन का सुखद अंत कैसे हो, जब हम इस संसार में द सो कॉल्ड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ के पीछे ना जाकर हम भगवान से अपनी प्रीति विकसित करेंगे, स्वयं को जानेंगे कि मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, कृष्ण कौन है और हमारा संबंध क्या है, तब हम अपने मृत्यु से हमें भय नहीं लगेगा। और वही वास्तव में समाज में शिक्षा है जो कि हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए, यही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और यह शिक्षा हमारी शुद्धता से आएगी। यही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, और इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम भगवान का नाम माला पे करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि वास्तव में हम जीवन तो जी रहे हैं पर केवल हमारा जीवन जीना ही, जिस प्रकार एक पेड़ खड़ा है, वो हजारों वर्षों से खड़ा हुआ है, केवल सांस लेना उसका उद्देश्य नहीं है, उसके जीवन का उद्देश्य है कि वह अपने पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करे, भगवान से अपना संबंध स्थापित करे जिससे उसका सुखद अंत हो, तब हमें अपनी मृत्यु से भय नहीं लगेगा। यही मैसेज श्रील प्रभुपाद हमें देना चाहते हैं, और यही एक सन्यासी और एक ब्रह्मचारी का इस समाज को योगदान है कि वह सही दिशा दे रहा है इस समाज को। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।